एक व्यक्ति राजा की सभा में आया और सभा में आकर के कहता है कि महाराज मैं इंद्र की पोशाक लेकर के आया हूँ। क्या लाया हूँ? इंद्र की पोशाक। और इस दुनिया में तो है नहीं इंद्र, तो पोशाक भी इस दुनिया में नहीं होगी, कहीं दूसरी ही दुनिया से आया। इंद्र की पोशाक लेकर आया हूँ और आपको पहनाना चाहता हूँ, आप पहनिए। तो महाराज ने कहा ठीक है पहना दीजिए। तो इसने कहा कि नहीं महाराज, एकांत में पहनाना पड़ेगा और वो पहनाने के पहले आपको अपने पहने हुए सारे वस्त्र उतारने पड़ेंगे, फिर इंद्र की पोशाक पहनाऊंगा और वो पोशाक उसी को दिखेगी जो अपने पिता से पैदा होगा। शर्त भी रख दी, बाकी किसी को दिखेगी नहीं, ये उसी को दिखेगी जो अपने पिता से पैदा हो। ये व्यक्ति आया एकांत में, राजा गए, इसने सारे कपड़े खुलवाए और फिर इसने बस कुछ पहनाया नहीं, बस ऐसे किया और पूरे शरीर पर ऐसे हाथ घुमा दिया और कहने लगा वाह महाराज आपकी पोशाक तो बहुत सुंदर दिख रही है। पोशाक थी थोड़ी, ये तो बस ऐसे ही कह रहा था, इंद्र की पोशाक इतनी सुंदर दिख रही है। राजा ने अपने आप को देखा, मैं तो नंगा ही खड़ा हूँ। राजा ने देखा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसने कहा था कि ये उसी को दिखेगी जो अपने पिता से पैदा होगा। तो इसने सोचा कि क्या हो रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रही है। इसने पूछा तुम्हें दिखती है पोशाक? उसने कहा महाराज मुझे तो दिख रही है और इतनी सुंदर लग रही है, आप तो इंद्र लग रहे हो साक्षात। उसको लगा कि मैं ही हो सकता है पिता से पैदा नहीं, खुद पर ही शंका करने लगा। कहता है कि मैं ही ऐसा होऊंगा, जब इतनी सुंदर पोशाक है मुझे नहीं दिख रही, सभा में जाता हूँ उनको तो दिख ही जाएगी। और सभा में ये ऐसे ही चल दिया और ऐसे ही जब चलने लगा, सभा के सब लोग दंग रह गए कि महाराज बिना कपड़ों के चले आ रहे हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है क्योंकि सभा में सबने सुना था कि ये उसी को दिखेगी जो अपने पिता से पैदा हुआ, इसलिए बोलता कोई भी नहीं, बोल कोई नहीं रहा। महाराज चले आ रहे हैं बिना कपड़ों के। महाराज कहते इंद्र की पोशाक देख रहे हो कैसी लग रही है? सबने कहा महाराज बहुत अच्छी लग रही है। कोई क्यों कहे कि नहीं है, नहीं तो महाराज ही गुस्सा करेंगे और फिर ये बात सिद्ध भी हो जाएगी कि ये भी पिता से पैदा है। तब सबने एक स्वर में कह दिया कि महाराज ऐसी पोशाक तो आज तक हमने आपके पास नहीं देखी है, बहुत सुंदर लग रही है। अब इसको लगा कि इतनी सुंदर पोशाक है, जब सबको दिख रही है मुझे ही नहीं दिख रही, तो थोड़ा रानी को भी दिखा लिया जाए, इतनी सुंदर पोशाक है वो भी खुश हो जाएगी। अब ये महलों की तरफ गया तो सारी दासियां और सब बाकी की महिलाएं भाग निकली कि महाराज को क्या हुआ है बिना कपड़ों के दौड़े आ रहे। जब ये पहुंचा रानी के पास और इसने कहा कि तुमने देखा मैंने इंद्र की पोशाक पहन रखी है, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। रानी ने कहा कि तुमने तो कुछ नहीं पहन रखा, बिना कपड़ों के खड़े हुए हो। राजा ने कहा कि आज पता चल गया तू भी अपने पिता से पैदा नहीं, आज पता चल गया। ये समझ गई कि किसी ने बहका दिया महाराज को। एक बहुत अच्छी बात रानी ने यहां कही, महाराज बेशक आप पोशाक इंद्र की पहन लेते कोई दिक्कत नहीं थी, पर लंगोट तो कम से कम अपनी रखते हैं। बेशक उतने तो नंगे मत हो जाइए कि अपनी इज्जत भी चली जाए। मान लिया कि बेशक पाश्चात्य संस्कृति को अपनाइए, मान लिया कि उनसे अंग्रेजी सीख लीजिए और कुछ सीखने लायक हो तो सीख लीजिए, लेकिन अपने ऋषि मुनियों ने जो सिखाया है वो तो कम से कम धारण करके रखिए, वो तो कम से कम अपनाइए, उसको तो लिबास बनाइए, उसको तो पहनिए, नहीं तो कौन कहेगा कि तुम ऋषि मुनियों की संतान हो, कौन कहेगा तुम राम और कृष्ण की संतान हो, कौन कहेगा कि तुम महापुरुषों की संतान हो, कौन कहेगा। बेशक पाश्चात्य सभ्यता अपना लीजिए, जैसे रानी ने कहा था बेशक इंद्र की पोशाक पहनते पर लंगोट तो अपनी रख लेते, कम से कम इज्जत तो बची रहती, उतना तो रामत्व धारण करो, उतना तो अपने महापुरुषों को सम्मान दो, उतना तो अपने शास्त्रों को धारण करो कि जब कहीं जा रहे हो दुनिया में तो लोग कह लें कि ये भारतीय हो सकता है। उतना तो अपने संस्कारों में जीवन रखो और संस्कारों में सनातन को जिंदा रखो, अपने धर्म को उतना तो ऊंचाई दो कि कहीं से भी निकल रहे हो तो लोग कह दें कि देखो ये सनातन धर्म का प्रेमी जा रहा है, ये देखो।
हिंदुत्व से परिपूर्ण व्यक्ति जा रहा है, ये देखो महापुरुषों की संतान जा रही है, ये देखो ऋषि मुनियों की संतानें जा रही है, ये देखो राम कृष्ण और महादेव को मानने वाले जा रहे हैं, ये देखो भगवान के भक्त जा रहे हैं। कम से कम अपने आप को वैसा तो बना कर रखो।